कलम की कारीगरी तो लगभग सब समझ ही रहे हैं। चाचा जी एक इधर से गीत गाया था, लगा दाग मेरा छूटे न छूटे, अगर मेरा पिया मुझसे रूठे तो झूठे सजावट के कर दूंगी झूठे ये बूटे, और नौबत से ज्ञान कोई लूटे तो लूटे। पांच काफिया थे इधर से, लेकिन गोपाल भाई काफियों से तो आपका सिस्टम बैठ नहीं रहा है। इधर से कह रहे थे बेटा धनराशि ले ले, इधर से कह रहे थे सांप मेरे मन में पल ना सकेगा, पाप मेरे मन में पल ना सकेगा और सांप टल ना सकेगा। और ये हमारी बहन जी ताब्या 11 रुपए का पुरस्कार देती है, बार बार धन्यवाद। टल ना सकेगा पल ना सकेगा, जबकि हम कह रहे हैं रूठे तो रूठे छूटे तो छूटे। तो गोपाल भाई जनता जान गई है कि कलम में तो आप 20 कोस पीछे हैं अभी। और ये बात भी साफ है चाचा, अभी गा रहे थे रसियाबाजी इसीलिए बदनाम है, यहां पे हमारे घरों की इज्जत सभी बैठी हुई है और कह रहे अब कहां जाए मरवावेगी, तुम बताओ पहले राण चोरो करवावेगी, पहले तो तेल लगवाई रही, अब तेल पे तो सीधी पहुंच गई है सिस्टम पे, तुम बताओ। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं थोड़ी सी बदतमीजी के कारण चाचा आला हो ढोला हो गजल कब्बाली सब कुछ टेलीविजन पर आ जाता है, लेकिन आपने रसियाबाजी को कभी टेलीविजन पर चलते हुए नहीं देखा होगा। सही कह रहा हूं चाचा, क्यों? क्योंकि इन जैसे गवैये नहीं रसियाबाजी बदनाम। क्या हुआ ये क्या मनोत्सव पुरस्कार राकेश नगली वालों की तरफ से? चाचा जी कह रहे हैं कि जब तक आप जैसे कलाकार रसियाबाजी में हैं तब तक रसियाबाजी को कोई बंद नहीं कर सकता। चाचा ये मानता है आपकी, और एक उधार और हमारा पड़ायन के ऊपर, चार कन्याएं कुआं में जो गिर गई उनसे शादी ऋषि ने कर ली, आज नहीं कल नहीं 4 महीने तक पढ़ लेना, जब तुम्हारी तो औकाती क्या है, बड़े बड़े रसिया वाले चक्कर काट रहे हैं। ठीक है, जो भी है इन्होंने दो चीज गाई है, दोनों चीजों का इधर से जवाब मिलेगा लीगल, और दो गीत आप लोग इधर से भी सुनेंगे। हम आसा चौधरी साहब की गाड़ी में से कैन ले गया हो तो उनको दे जा भैया, मंगा रहे हैं वो। चौधरी साहब की गाड़ी में से कोई कैन ले गया हो तो दे जाना।
हो गया जी। हाँ जी, अब आते हैं। गोपाल भाई कह रहे थे कि कोई खिचवाटे वाला 51 रुपए दे गया और कुछ कह के नहीं गया है। गोपाल भाई, आपकी जानकारी में शायद ना हो, किच्चो आटे वाले अखाड़े के बहुत सुंदर लेखक हैं जवाबी लाइन के श्रीपाल भाई साहब, और उनके द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया है। श्रीपाल भाई साहब कोई हल्की पत्री हस्ती नहीं है जो कोई न जानता हो। श्रीपाल जी जवाबी कीर्तन के, जवाबी कीर्तन के एक महान लेखक हैं श्रीपाल भाई साहब, और उनके द्वारा वो पुरस्कार आया था। ऐसे किसी की हंसी उड़ाना छोड़ दीजिए आप। हाँ जी, अब वो ना एक आओ के द्वारा भेज रहे हैं, कहाँ है वो तो पता ना है कहाँ है। जब उनने देखा ले हो तो यहाँ बोले हो ना, इन बातों पे तो बहुत जोर दे रहा है लेकिन इन बातों पे जोर नहीं दे रहा है। सभी एक लाइन सुनेंगे इसकी, गोपाल की, कमेटी वाले भी और जनता वाले भी। कौन सी? रड़ में आज तो कू, रड़ में आज तो ऐसी दिखाऊं के हराम खोर नचैना पावे गो। हरामखोर, ये कविता है। आप ईमानदारी से बताइए क्या कैसी ऐसी बातें हुई है महाभारत के अंदर? चौ साहब बताओ, मिशन तो चल सकती है, सुन मिशन रचाना है पावे को, लेकिन हरामखोर ये बदतमीजी की बात है महाभारत के अंदर नहीं हुई है। सुने, अगर तेरे जो गई हाल हिसाब रहे ना तो लहंगा बहुत जल्दी उतर के बहुत जल्दी टंग जाएगा। उस बात को कह रहा था कि केवल रह गए लहंगा लहंगा है, और उन्हीं बातों को बोल रहा है कि लहंगा में और महंगा में। रे सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, मान जाओ। और सुन, तुझे मूर्ति में बेच रही का है? तेरी मूर्तियों का तो वो जवाब दूंगा कि यहां से वहां तक अड़ी अड़ ताली नहीं बजी तो ओमीर शर्मा नाम नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये किस बेवकूफ ने इस गीत को लिखा है, और तुझे तो गाना भी नहीं चाहिए। चो भैया, आप ईमानदारी से बताओ, जब मूर्ति मूर्ति को काम मेला ठेलन में दिन में हो तो ना होती? हेलो, है रात में मूर्ति बेच रही है जे? अरे वो रात में तेल लगा रही तो मूर्ति बेच सकती है। हेलो, सब गजू करवा सकते वो रात में मूर्ति बेच रही है? तो सुन, तू मूर्ति बेचने वाली नहीं है, तेरी असली पहचान मैं बताऊंगा इस जनता के सामने, सभी लोग सुने। क्या बात है? से है गयो तन में तमा। अब देख कैसे छंद लड़ता है। अपनी अपनी कर तू तन की, और तू कौर कचाई ना पावे गो। ये कन्हैया तेरे साथ में, ये जो कन्हैया है ये बड़ा गोपियों के साथ कभी मोर बन के नाचता है तो कभी माखन खाता है, हैं? कभी रास रचाता है। तो सुनो होगा क्या आगे, सभी लोग सुने। अरे कोई कोर कचाई ना पावेगा, अरे कौरव दल की चौखट पे तू झूठे, और कोई मोर नचाए ना पावेगा।
जितनी मूर्तियों को बेच रही है तेरी हर मूर्ति से मूर्ति मेरी बच करके आएगी और सभी लोग लगाएंगे। हम साहब हाय शर्माऊ अरे हाय शर्माऊ शर्माऊ किस किस को बताऊं हाय शर्माऊ गाने का ढंग सीख पहले गुरुदेव रंग पगड़ी का नीला पहन के कुर्ता है ढीला और एक बात और नजर आ रही है अजय बेटा ओढ़ के चुनरिया गीली पहन के घाघरिया ढीली ऐसी छल्लो छबीली है रही सीली सीली क्यों दही फैल रही है ना अरे बाल मा की और ये जाल मा की है तीनों निशानिया शर्माऊ किस किस को बताऊं ऐसे कैसे मैं छुपाऊं सबको ये अपनी प्रेम कहानियां ये अपनी प्रेम कहानियां कटूटा जे बैग को डाल रही ये होता है जवाब हर शहर और गांव मूर्ति जे हनुमान की अब काफिया बंदी से लड़ा रहा हूं तेरे जीत को दे तू तो डोले खाम खाम हर शहर और गांव रात दिन में कमावे क्योंकि बड़े भैया क्योंकि मूर्ति की दुकान लगेगी दिन में और गेट ओल लिए बैगे लेके तू तो डोले खाम खाम हर शहर और गांव रातन में कमावे दाम और प्यार चाहूंगा अगर बात पसंद आए तो है जब रातन में दाम कमा रही है तो समझो जो मूर्ति बारी ना है दे? तू तो डोले खाम खाम हर शहर और गांव रातन में कमावे दाम तू है बिगड़े खानदान ये कह रहे मूर्ति भगवान ये ओमवीर शर्मा की खोपड़ी है मैं जभी तो बार बार कहता हूँ और तू कहता है कि मेरी अपनी तारीफ अपने आप कर रहे हो लेकिन इस बात को ये जनता भी जान रही है जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है दे? तू तो डोले खाम खाम हर शहर और गांव रात दिन में कमावे दाम तू है बिगरे खानदान की वृंदावन में सुन तू इस बात में फिट टिप्पणी करेगा बिल्कुल शादी बात है तू आज तो कुरेठ माता कर रहा है लेकिन यहां से जाने के बाद पूरी साल नाम भी नहीं लेता हुआ कुरेठ माता का कभी नहीं और सुन 24 घंटे बिहारी जी के चरणों में रहता हूं और इन्हीं बातों को सीखता हूं केवल लिखना और गाना जाना
गाने की बात कर रहा है उस वृंदावन में ऐसे ऐसे गायक मशहूर हैं, हुए हैं और आज भी हैं, उनकी संगति करता हूं, ज्यादा नहीं तो 10-20 मिनट उनके पास बैठ करके उनसे कुछ सीखता हूं मैं। तू मुझसे गाने की बात कर रहा है, तू तो डोले खाम खाम हर शहर और गांव रात दिन में कमावे दाम, तू है बिगरे खानदान की, तू है बिगरे खानदान की, तू है बिगरे खानदान की, तू है और देख मैंने जान ली है, मैंने जान ली है और पहचान ली है, अरे मैंने जान ली है और ये पहचान ली है, और इन सब ने तेरी पहचान की, मेरे संग संग में सब पहचान गए तो है। अब देख जवाब तेरी हर मूर्ति से लग, सवन की कह रही है, सवन ने दूंगी मूर्ति देख। और देखिए ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे चाचा जी की तरफ से आया है, बीपीसी मोहनिया जी निवासी कलुआ, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे चाचा जी का। देख ये जवाब पे आए हैं चाचा जी, जब से सारी रात बैठ करके सुनते रहे हैं लेकिन बात हकीकत अच्छी लगी है, तो अपने आप ही उठ करके इस बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, ये बातें हुआ करती है। अब सभी लोग सुन रहे हैं, तू दुख हरैया की दे दे, तू दुख हरैया की दे दे, बताऊ भैया की दे, तू दुख हरैया की दे दे, बताऊ भैया की दे दे। और देख ताली सुनिए जनता की, तुझसे नहीं कहूंगा लेकिन ये कटाक्ष है रसिया वालों का, तीर कहियो निशाना कहीं तो देख, दुख हरैया की दे दे, बताऊ भैया की दे दे, बाबा के संग संग में तू अपनी मैया की दे दे, बाबा के संग संग में तू अपनी मैया की दे दे, बाबा के संग संग में तू अपनी मैया की दे दे। चौकस ये बेच रही है और मैं खरीद रहा हूँ, जवाब है भैया, जवाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बेच रही है खरीद रहे हैं। अब सुन गमत कियो, क्या मोते कह रहा अपनी मैया की दे दे, बाबा के संग संग में, बाबा कौन, एक तो दाऊ भैया और बाबा कौन, नंद बाबा और मैया कौन, अरे अरे गुरुदेव बात कर रही साहब, तुम्हें तुम्हें अच्छी लगेगी भाई मूर्ति है तो लेंगे तुम, अमना ले रहे लंबी सूढ़ भाई है। हमें जो अच्छी लगेगी हम बाय लेंगे, सही बात है नहीं तो दे, बाबा के संग संग में तू अपनी मैया की दे दे, और दे डोले फैशन में, अरे डोले फैशन में, अरे डोले फैशन में, अरे डोले फैशन में, अरे डोले फैशन में, और मैं लूंगो फैशन में, अरे डोले फैशन में, और लूंगो फैशन में, और चाहे जो कहले सुने, अब दूसरे अंतरा में सुन मेरी बात, देख है दुनिया दाता की, अरे ते दुनिया दाता की, और बा भाग्य विधाता की, अरे ये दुनिया दाता की, और है भाग्य और ताली आनी चाहिए, ये आप स्वयं बजाओगे क्यों कि इस जिसमें हम सब रहते हैं और जिसका अन्न पानी खाते हैं केवल उसी की तस्वीर मांगूंगा, सभी लोग सुनेंगे देख दे, अरे दे दुनिया की दाता की, और तू दे भाग्य विधाता की, ये सब भारतवासी हैं, तू दे दे भारत, अरे ये भारतवासी है मूर्ति भारत माता की, ये सब भारतवासी है ते मूर्ति।
लाई मूर्ति ते बच के मूर्ति आ रही है, है? दे मैं पक्को भारतवासी हूँ, तू दे दे भारत माता की, तेरी चीज लड़ गई आज तेरे ऊपर, अरे तेरी चीज लड़ गई और आज तेरे ऊपर चढ़ गई, और शर्माए मालम पड़ गई तेरे ज्ञान की, और देख तू तो डोले खामा खाम हर शहर और गांव, रात दिन में कमावे काम, तू बिगरे है खानदान की, तू है खानदान की, चलते रहो। ये 201 रुपए का पुरस्कार मनोहर सिंह कुरट वाले, और ये 20 रुपए का पुरस्कार चौधरी करतार सिंह, दोनों के लिए जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें सभी लोग। और ले ले और हारे भाई, तो मूर्ति खरीद ले पैसा, बढ़िया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाए, हाँ जी देखिए ये फिर बोलेगा इधर से, ये मनवीर सिंह राणा, और स्वयं कह करके गए कि ओमिर शर्मा मैं मूर्तियों के जवाब पर खुश होकर के तुमको 50 रुपए का पुरस्कार दे करके जा रहा हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। तो कह रहा हूँ शर्मा जी, अब अगले नंबर पे आए के फिर यही बात है गोपाल भाई किंगे, मुझ तीन को दे रहा हूँ, कोई ना कहे गो खामा खा के रे, अब ये जनता ते हम वहां जाए के कहना रहे कि तुम यह बात कियो, लेकिन हाँ जी एक बात और गा रहे थे, एक बात ध्यान में आ गई कह दूं, कौन सी? पर मौतें बोलनी पड़ेगी तुम सब, देख एक लाइन की ताली देखिए गोपाल भैया, अरे भरे भरे कह दो ना बाटी रही है, देख अरे भरे भरे कह दो ना बाटी रही है, ओफो बोलो ओफो, भरे भरे कह दो ना बाटी रही है, ओफो भरते काट रही है, ओफो सत्यमान के अब का ये मरवावेगी, राण चोरो करवावेगी, और ये राणू कह गए जबके रसियाबाजी इसीलिए बदनाम है चाचा, ये शब्द रामायण में कभी नहीं आए, वो लंबा मैडम लंबा तेरी जान कसम दे लंबा, या की तरह की आदत ने मत ले तू, समझ बात है बेटा, यहाँ बड़े बड़े महाभारत में तो हराम खोर शब्द पड़े हो जाने है, और रामायण में पड़ी है कि राण चोरो करवावेगी, ये इसकी बुद्धि है, इतना विवेक है इसके अंदर, देखो इसका विवेक और बुद्धि। हाँ जी, जब रावण ने सुपर्ण खा के पति विद्युत जिब को मारा था अपने हाथों से अपने जीजा को, तो गोपाल भाई उसी समय सूर्पण खा ने ये प्रतिज्ञा कर ली थी कि तेरे अकुनबा को जो चोरो करवावेगी ये सुपर्ण खा ही करवावेगी, और कह रहे सुने और कछु लिखतो रामायण में ते, तो देख मजेदारी की बात तो ये हुआ करती है, और ताली देखियो, और गलत नहीं गाऊंगा, बिल्कुल हकीकत गाऊंगा सब लोगों के सामने, ए नैन से नैन से न कन्ने न मिलाए दियो, नहीं गुरु कह रहा है, अरे गुरु रामदेव कछू मत कह, अंगद कह रहा है रावण से, है देख नैन से नैन से न कन्ने न मिलाए दियो, पकर मेरे जाए, वही बात कह रहे ये होती है बात, तो मैं कछू मत कर चैलेंज छूट दे दे बात, जाकू जाके रेल सी बना देंगे आज। हाँ जी कह रहे थे राण चोरो करवावेगी, गीत इधर से भी आप लोग सुनेंगे चाचा, अब कहना है इससे क्योंकि सुपर खाने प्रतिज्ञा कर ली, और चाचा अगर हम नारी को मानेंगे देवी तो वास्तव में नारी से दयावान स्त्री दयावान जाति कोई नहीं होती है, नारी के रूप सुन ले बेटा,
सब कहते हैं अबला अबला क्या ज्ञान किया है नारी ने, क्या ज्ञान दिया है, अरे क्या क्या न किया है नारी ने, क्या क्या न किया है नारी ने। आज तू किसी भी रास्ता पर चल के देख, तेरे पीछे पीछे अगर नहीं चलूं तो मेरा नाम बदल के रख देना। जब नारी की बात आई तो चाचा जी सब कहते हैं या बुला या बुला, और क्या क्या ने किया है नारी ने, दी अग्न परीक्षा नग्न परीक्षा, और हमें जन्म दिया है, हमें जन्म दिया है नारी ने, हमें जन्म दिया है नारी ने। अरे अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, लड़ी रे, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई, उठा लोहू लिया है नारी ने, उठा लोहू लिया है नारी ने, उठा लोहू लिया है नारी ने। और देख उस श्री कृष्ण की खातर देखो जहर पिया है नारी ने, श्री कृष्ण की खातर देखो जहर पिया है। लोड़िया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। अब के नाए जब प्रतिज्ञा कर ली चौथरा तेरा बंधनों ही बंधनों है। और चाचा जवाब भी एक कहावत से तुम लोग पहले बोलोगे और मैं बाद में बोलूंगा। हुसैन पर पढ़ो फिरो जाबाद लगल करवाया लागी। हाँ जी, खूब पियेंगे बियर सीयर, साथ रहेंगी सेक्सी डियर, पार्टी करेंगे सारी रात। आज चाहे कछुए ले आइयो, नट खटना दलाला कभी तो ना आए भाई, न कभेगी रात भर। अरे गाय दही तुमने, हर बड़े कलाकार हैं देख ली। हाँ जी, अब कहना है चाचा आप लोग पहले बोलोगे। डट पे बंसी वट पे बंसी वाले की, वो बंसी बाजे की के राधा। अब कहना है करमन की ये तंगी है और नार नहीं नौरंगी है, और आप लोग पहले बोलेंगे। करमन की ये तंगी है और नार नहीं नौरंगी है, ढकले तो सब कुल को ढकले वरना नंगी की संग बोलो। ढकले तो सब कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी है, ऐसे नहीं तुम लोग आनंद लोगे तभी मजा आएगा भाई। हाँ जी, करमन की ये तंगी है, ये नार नहीं नौरंगी है। और चाचा एक कहावत और है, ढकले तो सब कुल को ढकले नहीं नंगी की, और के कच्छना खरवावेगी एक कम खरवावेगी। भाव 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 ओडो करवावेगी, और तालियां आनी चाहिए। भाव ओडो करवावेगी, तारो मोहड़ो करवावेगी, हमारे शिव सिंह ताऊ जी ने दिया है। एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें सब। इस जवाब पर खुश होकर के 201 रुपए का पुरस्कार हमारे दिनेश भैया जी बरोठ वाले देते हैं। दिनेश भैया बरोठ वाले 201 रुपए का पुरस्कार देते हैं, धन्यवाद। हाँ जी, भाव ओड़ो करवावेगी, कारो मोहड़ो करवावे। एक बात और कह दूं कछुआ ते, इजाजत है जाए तो मरंदेव जब रात भरम बत्तीमी जी करीना तो एक शब्द का ही करो। हाँ तो के गोपाल ना आए गे गोपाली, के किया था हमने तुमसे प्यार, बाबा जी किया था हमने तुमसे प्यार लेकिन अधूरा निकला, और लगाया था पेड़ बैंगन का,
मगर दतूरा। भाजी या को का नाम है गोपाली, भाव ओड़ो करवावेगी कारो मोहड़ो करवावे। और कुलदीप भैया और कछ ना करेगी गे, यो लहंगा है फरवावेगी। तू तो भाई तुम्हें दोनों गुरु चले जाए लहंगा के पीछे पड़ गए भाई। ब्रज में हल्ला मच गयो चाको चारों ओर, एक दिन रंगे हाथ पकड़ो गयो जी गोपाल है पक्को। भाव ओड़ो करवावेगी बेहा कारो मोहड़ो करवावे। हाँ जी सभी लोग सुनेंगे दो गीत मेरी तरफ से अब तक रेस के जवाब सवाल, और दो गीत बढ़िया वीआईपी गीत मेरी तरफ से और सभी लोग सुनेंगे। और मां साहब धुन दिखाए, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न हो। चलेंगे सुबह सुबह का वक्त है चाचा, ये रात भर में जवाब सवाल जो भी इन्होंने किए या हम कर रहे हैं ये तो सब चलते रहेंगे, आगे भी अपने रसिया देखें। लेकिन सुबह सुबह का वक्त है, सभी लोग आप घरों को जाएंगे तो गीत ऐसे होने चाहिए कि गुनगुनाते हुए जाएं। मैं सब लगाएंगे अगर तेरा जलवा, सभी लोग सुने। देखिए आपने सारी रात छींटा कसी सुनी, लेकिन एक बढ़िया गीत आप लोग मेरी तरफ से सुनेंगे, गाया है किसी ने हो जी। अगर तेरी जलवा जलवा बो जलवा 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 बो जलवा, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती। के बिहारी लाल की ये। अब देख और लास्ट में वैसे लास्ट तो ये गोपाल भाई करेगा, लेकिन एक गीत में कुरेठ माता के लिए सुना करके जाऊंगा एक गीत। चाहे आप कितनी भी मना करते रहना कि उमिर शर्मा दंगल को यहीं समापन कर दो, लेकिन एक गीत में स्पेशल लिख करके लाया हूं, उस गीत को लास्ट फेरे पर सुना करके जाऊंगा। कहना है हरी दर के हरिदास हो, हरी दर के हरिदास, हरी दर के हरिदास। बोलिए स्वामी हरिदास महाराज की, बोलिए बाके बिहारी लाल की। अरे हरी दर के हरिदास, हरी दर के हरिदास कर भिकारी न हो, हरी दर के हरिदास भिकारी न होते। तो आज वृंदावन में बाके बिहारी न होते, वृंदावन में बाके बिहारी न होते। हरिदासी महाराज बताते हैं ये हरिचंद जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार आया है। बताते हैं हमारे वेद पुराण भी बताते हैं, लोग भी बताते हैं कि हमारे हरिदास जी महाराज यही हरदासपुर जो अलीगढ़ में है यहीं के रहने वाले थे, और जो आज वृंदावन में बिहारी जी हैं उन बिहारी जी को केवल उनकी ही खातिर प्रकट होना पड़ा जो आज हम सब दर्शन करने के लिए जाते हैं। इसीलिए वृंदावन में बाके बिहारी न होते और क्या होता,
नहीं मन की अष्टमी मनुनाए आपे में कातलक छापे में अब तो जा बुढ़ापे में राधे राधे रट ले अब तो बुढ़ापे में राधे राधे रट ले अब तो बुढ़ापे में राधे राधे रट ले जी 21 रुपया का आशीर्वाद देते हैं उम्मीद शर्मा तेरा कहना क्या है बेटे ये बजेंद्र चौहान जी एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करते सभी लोग देख बुरे कर्मन से पीछे को हट ले और उद्धार है जाए गो भव से पार है जाए गो बांके बिहारी के चरण में फट ले सामन में हो हरियाली तीज भादो में सलूनो लाए हो सामन में होए हरियाली तीज भादो में सलून गुरु ऐसा नहीं भाई बाबूलाल उस्ताद की सामन में हो हरियाली तीज सामन में हो हरियाली तीज भादो में सलूनो लाए हो और बेरग को तल पल हिमांशु भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार अरे ने गोरन को दूनो नाए होएगा रसिया गा तो जोड़ के आदमी रखो है? जब रेलगाड़ी के इंजन में ताकत नहीं होगी चाचा जी तो वो कैसे डिब्बों को खींचेगी इंजन की ताकत देख बेटा दो रेलगाड़ी बांध दी है पीछे देख पर एक बंदरिया रूठ जाए वृंदावन सुनो नहीं मनती अष्टमी जो जन्म नहीं लेते पापियों के पापों की फिर सजा कौन देते ये 40 रुपए भूरी सिंह और नैम सिंह जी दोनों देते हैं आशीर्वाद ही कामना करूंगा अब कैसे पापी को सजा कौन देते अरे पापियों के पापों की फिर सजा कौन देते कंस नहीं मरता कभी कंस नहीं मरता अगर मुरारी न होते कंस नहीं मरता कभी मुरारी न होते तो नदी
राधा प्रेम के प्रतीक राधा बनवारी न होते, प्रेम के प्रतीक राधा बनवारी न होते, तो उस वृंदावन में बागे बिहारी न होते, वृंदावन में बागे। नहीं मरते कभी भीष्म, नहीं मरते जो चक्कर धारी न होते, अरे भीष्म नहीं मरते जो चक्कर धारी न होते, भीष्म नहीं मरते जो चक्कर धारी न होते, भीष्म नहीं मरते जो चक्कर। देखिए ध्यानपाल सिंह ठाकुर साहब पेराई वाले, ये 51 रुपए का पुरस्कार दिया गीत में खुश होकर के, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाए। भीष्म नहीं मरते जो चक्कर भारी न होते, वृंदावन में बागे बिहारी न होते, वृंदावन में बागे। शर्मा पुजारी न होते, अरे चरणों में पड़े हैं पवन पुजारी न होते, हरि दर के हरिदास भिखारी न होते, तो आज वृंदावन में बाके बिहारी न हो। देखिए एक गीत इस बच्चे की तरफ से, एक गीत एक बढ़िया सुनवाऊंगा, सुबह का वक्त है, सभी लोग सुनेंगे। गुरुदेव फरमाइश आ रही है बहुत देर से कि इसका भी एक गीत होना चाहिए रात भर में, क्योंकि हमें तुम्हें या पर एक उगा रहा राहुल, इनने कोई ना पूछ रहो, अब इन्हीं की चल रही है भैया जो कसू चल रही है। हाँ जी, हाँ जी मां साहब, क्या मिली ऐसे लोगों से? एक भाई साहब सबसे हटके सुना दू। हटके ही बेटा, हटके ही होगो, क्या मिलिए? सुनो ए सुनो, क्या कह रहे हो? अब मेरी सुन लो एक मिनट, ए भैया एक मिनट सुन, ए भैया सुन, सुबह का वक्त है, कुरठ वाली माता के चरणों में कसम खा करके कह रहा हूं, इतनी बड़ी बात कोई कह नहीं सकता है। कौन की चांदी बाई ना की चांदी काऊ सोने बारे की ना है, जो चीज है गुरु पवन शर्मा की और पीदा बाबू के लिखैया की। चांदी वाले तो भैया हमारे ही हैं। चांदी वालों की बात करो तो सुन, चांदी वाले सत्तो शर्मा, सोटा वाले, सुनीता शर्मा, गुलजारी वाले, ये सब मेरे अखाड़े हैं, मैं हर किसी की गा सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। हाँ जी मतलब लगाओ, क्या गुरु क्या मिली है ऐसे लोगों से? ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरत। ये गीत ना तो कोई
देवी देवता का है। आजकल जो हो रहा है कलयुग में उसके ऊपर गुरु ने एक कथन लिखी। बिल्कुल, और देखिए आप, आपके चरणों में परोसने के लिए जा रहे हैं और अच्छी लगेगी ये सुनेंगे। कचर जमीन पैसा टका और सब रखिए अपने नाम, ये जड़ जमीन पैसा टका, जड़ जमीन पैसा टका और सब रखिए अपने नाम, और अंत बुढ़ापे में चाचा धन दौलत आपे, अरे अंत बुढ़ापे में केवल धन दौलत आवे, अरे आज की मैया बहु बेटन के सारे ताने सहलेगी। चाचा सभी की तो बात है नहीं, लेकिन 70% लोग ऐसे ही हैं आज के जमाने में। क्यों वृद्धाश्रम खुल भए परे तो केवल यही बात थे, बड़े बूढ़े ने बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुजुर्गों की घर सेवा करते हैं। सभी की बात नहीं है लेकिन ज्यादा मात्रा ऐसे ही लोगों की है। हाँ जी, देख के आज की मैया बहु बेटन के सारे ताने सहलेगी और सासु करेगी कहनो बहु को तो साजे में रह लेगी, सासु करेगी कहनो बहु को तो साझे में रह लेगी। क्यों आजकल की कैसी है, साज के घर में गुजर चले ना, लांगुड़िया घर अलग बनाए ले, और आज की जोगिनी यो उठ बोली लांगुड़िया नक थम बजलाए, सासु करेगी बहू को कहनो तो साझे में। हाँ भैया, बहू बेटी खटिया के ऊपर नो समझ लो जे बहू बैठ गई। अच्छा, अरे बहू बेटी खटिया के ऊपर सासु बहू कम चलावेगी और सासु करेगी रोटी पानी बहु बैठ के खावेगी, सास करेगी रोटी पानी। हाँ, अम्मा पूछ लेने के मूड़ा पे बैठी है तेरे स्टाफ को मामला है। अम्मा सही बात है गलत है, हाथ तो उठा दे, जमाना है सही है सही है। अम्मा तो कछु केलू ना पता तू पाने तो नो समझ ले, चाहे बहु रोटी देवे चाहे नहीं देवे अपने हाथन से बनाए खाती। आगे चलो। अरे सास रहे अरे बहु बैठी खटिया के ऊपर सास बहु कम चलावेगी और अरे सास करेगी रोटी पानी बहु बैठ के खावेगी, सास करेगी रोटी पानी बहु बैठ के खावेगी। और गुरुदेव, अरे अरे ऐसी हालत रही तो एक दिन उल्टी गंगा बहलेगी, अरे ऐसी हालत रही तो एक दिन उल्टी गंगा बहलेगी, सासु करेगी कहनो बहू को तो साजे में। अब देखिए अपने ससुर से कह देगी कि आप तो खेतों पर रखवाई करने के लिए जाना, और सास से कह देगी आप भैंसों की रखवाई करना, खुली नहीं जाए तमाम चोटा डोल रहे हैं। भैंस नहीं होगी तो पर अच्छा भैंस नहीं होगी तो कछु कछु तो रखावेगी, यही बालक खिलावेगी। बिल्कुल हाँ जी, अरे बहु सोवेगी डबल बेड पे
और सब फटे बिछैया पे बहु सोवेगी डबल बेड पे, बहु सोवेगी डबल बेड पे और सब फटे बिछैया पे। बेटा बहु की बात मान के जुलम करे रो मैया पे, बेटा बहु की बात मान के जुलम करे रो मैया पे। क्यों? अरे कत्ता भागवत हमने कराना छोड़ दिया, सिनेमा जाते हैं मंदिर में जाना छोड़ दिया, पीते हैं दारू को भी दूध पीना छोड़ दिया, बहन भांजी को घर पे बुलाना छोड़ दिया। आजकल भाई साहब बहन भांजी को नहीं बुलाते लोग, सबसे पहले भाई साहब साली जरूर आती है। हाँ, निमंत्रण बेटा सबसे पहले मैं ही सफल हो तुम्हारी हत्या साली तीन। अरे वाह, जो कह रहे भैया मेरी वो आती है। सबसे पहले आतो नी। हाँ जी। अरे बहन भांजी को घर पे बुलाना छोड़ दिया, क्यों? भागकर पसीना धन को कमाना छोड़ दिया। और बात अच्छी लगे ताली आनी चाहिए भाई साहब, माता बहना सभी बजाएंगी, माता ही पहले बजाएंगी अब। देख बहन भांजी को घर पे बुलाना छोड़ दिया, मनाते बीवी को माँ को मनाना छोड़ दिया, मनाते बीवी को माँ को मनाना। अरे बहु सोवेगी डबल बेड पे और सब फटे बिछैया पे, बेटा बहु की बात मान के जुलम करे गो मैया पे, बाबा बहु की बात मान के जुलम करे गो। बची पति पीरता नारी सुन के छाती पहलेगी। बड़े भैया आगे तेरी बटन है, आज के बाद पहले अखाड़ों की पूरी जानकारी करके तब कहना इसी बात को, क्योंकि चांदी वाले हुए, सोटा वाले हुए, बैरक दल जो भी है वो सब हमारा अपना ही परिवार है, अपना ही कुलवार, बहुत बड़ा परिवार है। क्यों? कोई भी किसी की भी चीज को इन दंगलों में गा सकता है, हमारे जो स्टाफ का मामला है। हाँ जी आगे देख। अरे कछु बची पति पीरता नारी सुन के छाती तहलेगी, सास करेगी कहना बहू को तो सारे मेरे रहलेगी। अरे लांगुरिया सो लगो तुमते ग्वार ये कहनो मैं लांग यहाँ आ जाए थे ढीलो ही कर दूंगी जाए। अरे लांगुरिया सो लगो सुनो, अरे सुनो भाई साहब, अरे लांगुरिया सो लगो देख में को और जम नक्शा करवाए दे तू सेहरा आगर को, जम बिजली घर होवे और होवे राजा मंत्री और चल पाली पार पारक में अब हवा चले ठंडी। उम्र भैया हाँ गाएंगे हमने सेता तो लेंदो ने भाई साहब देख। अरे अरे बहू बहू करेगी सेर तपाटो और वो बच्चा सासु खिलावेगी, अरे बहू करेगी सेर सपाटो, बहू करेगी सेर सपाटो बच्चा सासु खिलावेगी। भूख लगे जब बालक को तो पाउडर कोई दूध पिलावेगी, भूख लगे जब बालक को पाउडर कोई दूध पिलावेगी। और रहे सब चुप्पी सादे बहू चाहे जैसे ही कह लेगी, और रहे सब चुप्पी सादे, और रहे सब चुप्पी सादे बहू चाहे जैसे ही कह लेगी।
और समय को देखती हूँ लास्ट बंद। आजकल देखिए सासुन की हालत है ढाई हाथों घूंघट, और बहुने की खुल्ला में खुल्ला है रो खेलो। बात तो चाचा सही सही है, ज्यादातर ऐसी कोई चाहिए सुन ले फिर मेरे भैया सुनाएंगे तंत्र मतलब। देख अरे बहु अरे सास रहे परिदा के भीतर और बहु माँ खोलेगी बोलेगी और है रही हो पंचायत कहूं तो सबते ही पहले अरे शर्मा कहे भारत की भूमि एक दिन पाताल में बहलेगी और माता रानी के चरणों में। देखिए गोपाल भाई का भी आदेश हुआ है कि शर्मा जी एक गीत सुनाओगे लिखकर के लाए हो, तो एक गीत माता रानी के चरणों में सुनाऊंगा, सभी लोग सुने और मां साहब धन दिखा।